वो आखिर डच में कर क्या रहा है? वो बुराक है, उसका किसी को क्या ही पता। आई जस्ट होप कि वो जैसा भी है सही सलामत हो। हाँ तो अब अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों ना हम प्लान चेंज करें और थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करें, क्या कहना है? अच्छा, वैसे अच्छा प्लान है ये। तो क्या ये हाँ है? चलो, बुरा कुछ तो काम आया। पर हम लोग जाएंगे कहाँ और करेंगे क्या? टेंशन मत लो, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। अच्छा, क्या है वो आइडिया? सरप्राइज। हेलो, वेलकम, आइए सर। थैंक यू। तो हमें काफी भूख लगी है, पूछना मत, जो अच्छा लगे जल्दी से ले आओ। जी सर। वाह, ये जगह कितनी अच्छी है ना। हाँ, अच्छी जगह है, मुझे भी पसंद आई। मैं डच आया हूँ पर यहाँ कभी नहीं आया। यार ये बच्चा सरदर्द दे रहा है मुझे। ओ, कितना प्यारा बच्चा है, पता नहीं बेचारा क्यों रो रहा है। बिगड़ा हुआ है, और क्या हो सकता है। जरूर कोई प्रॉब्लम होगी, वरना आई एम श्योर ये ऐसे नहीं रोता। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो आप? हाँ, जाओ इधर आओ, आओ ना, देखो। ओह, इतनी प्यारी सी आंखें है तुम्हारी, रोना नहीं रोना नहीं, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। ओह, अब ठीक है, जाओ। थैंक यू सो मच डियर। यू वेलकम। मुझे लगता है उसे अटेंशन चाहिए था। हाँ, तुम्हारी तरह। एक मिनट बेटा, क्या आप हम दोनों की पिक्चर ले सकते हो? बिल्कुल। स्माइल। थैंक यू। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी तस्वीर भी खींच सकता हूं। थैंक यू, पर हमारे पास कैमरा नहीं है। कोई बात नहीं, इससे खींच लेंगे, मैं बाद में ईमेल कर दूंगा। हाँ ठीक है। यंग लेडी, कैसे लवर्स हो तुम लोग, एक दूसरे को हग भी नहीं कर रहे हो? बुढ़ापे में ये मौका नहीं मिलेगा, अभी तो कम से कम एंजॉय करो। मेरी मान, बिना जाने कुछ भी मत बोलो ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। ओह रियली, मुझे लगा तुम दोनों साथ में हो। और वैसे भी साथ में अच्छे लग रहे हो तुम दोनों, जोड़ी अच्छी है तुम्हारी, शादी क्यों नहीं कर लेते? तो तुम रेडी हो? अरे मैम, आप ये क्या बोल रही हैं? जी मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों भी तुम्हारी तरह पहले बहुत लड़ते थे, और अब देखो 30 साल हो गए हैं। मैं ही जानता हूँ मैंने 30 साल कैसे बिताए हैं। मैं सुन रही हूँ, सुन रही हूँ सब। स्माइल प्लीज। बुराक का फोन आया था। फाइनली, कहाँ है वो? वो दाचा में किसी जगह पर है। क्या, वहाँ क्या कर रहा है वो? यहाँ हमें टेंशन है और वो वहाँ मजे कर रहा है।
देखो चाला, अपसेट मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसा है फिर बताओ मुझे। देखो मुझे नहीं पता कि क्या बात हुई, लेकिन उसे वहाँ मजबूरी में जाना पड़ा, कोई तो प्रॉब्लम हुई होगी। हो सकता है कि तुम सही बोल रहे हो, पर याद रखना अगर तुम गलत हुए तो उसकी खैर नहीं। देखो तुम शांत रहो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, वो एक घंटे में आने ही वाला है। मैं ब्रेकफास्ट के लिए जा रहा हूँ, साथ चलोगी? ओके, मैं जरा चेंज करके आती हूँ। देखते हैं इस बार तुम क्या एक्सक्यूज देते हो बुरक। देखो इतना मुश्किल नहीं है, आ जाओ। क्या बोल रहे हो तुम? स्विमिंग, तुम्हें स्विमिंग सिखाऊंगा। क्या, मैं नहीं सीख सकती, मुझे डर लगता है। मैं हूं ना साथ में, चलो। देखो हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, हाँ ठीक है। ट्रस्ट मी, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, बस मुझ पर थोड़ा भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आसले, जस्ट ट्रस्ट मी। हाँ, बट प्लीज मेरा मजाक मत उड़ाना, ओके? हाँ ठीक है। बस इतना काफी है। ओके, ये ठीक रहेगा। अब मुझे पकड़ते हुए अपने पैर उठाओ, तुम्हें ऐसे लगना चाहिए जैसे तुम अपने बेड पर लेटी हुई हो, ठीक है? मैं खड़े खड़े तैर नहीं सकती। जी नहीं, वो खड़ा रहना हुआ, तैरना नहीं। हाँ ठीक है। ओके, देखो आराम से, देखो मैंने तुम्हें पकड़ा हुआ है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, ओके? तुम खुद ही फ्लोट करोगे, देखना। तुम्हारे लिए ये आसान है, मेरे लिए नहीं। नहीं, नहीं, स्टॉप, मैं डूब जाऊंगी, मैं डूब जाऊंगी। ओके, काम डाउन, ऐसे मैं डूब जाऊंगा, मारना चाहती हो क्या मुझे? नहीं, मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे डर लग रहा है, मैं डूब जाऊंगी। यार तुम ट्राई तो करो, कोई बच्ची हो क्या छोटी सी? मेरे साथ कुछ हुआ था, मैं बचपन में ऑलमोस्ट डूब ही गई थी एक बार, मेरे डैड ने मुझे बचाया था और तब से मुझे बहुत डर लगता है। ओके, पर अब तुम बच्ची नहीं हो, डरो मत, भरोसा रखो और सीखने की कोशिश करो। ओके, चलो। देखो तुम कर रही हो। सच में क्या इसी तरह से तैरते हैं? हाँ ऑलमोस्ट, बट एक दो टेक्निक्स और है। ओके, मुझे आ गया। बचाओ। अरे कोई मछली होगी यार। नहीं, मेरे से ये सब नहीं होगा, प्लीज यहाँ से चलो ना, प्लीज। ओके ओके, पर पहले खड़ी तो हो जाओ प्लीज। हाँ, पर मुझे छोड़ना मत। असले तुमने मुझे टाइट पकड़ा हुआ है, उतरो आप आराम से। बोट आने का टाइम हो गया, हमें हार्बर चलना चाहिए। हाँ, पहले यहाँ से बाहर चलो। कहाँ रह गई वो? कुछ हो तो नहीं गया? फोन नहीं कर सकती थी क्या? मुझे कुछ करना पड़ेगा, पर क्या करूं? मुझे कुछ जरूरी काम है, मेरी शिफ्ट कवर करोगे? हाँ कोई बात नहीं। क्या मैं भी तुम्हारे साथ बुरक को लेने चल सकती हूँ? इसी बहाने डश भी घूम लूंगी। हम फिर कभी जा सकते हैं ना, अभी बुराक को लाना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वैसे डैड आने वाले थे ना, कहाँ है वो? बुराक का पता चलते ही उन्होंने अपना प्लान चेंज कर दिया, वो आने में थोड़े लेट हो जाएंगे। कोई बात नहीं, हम वेट करते हैं उनका। ठीक है, मैं ऑफिस जाकर आता हूँ। ठीक है भैया। क्या तुम ये लेना चाहोगे?
हेलो। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, पर मैं गोंजा हूँ। ओह हाँ, मुझे याद है। मैंने असले को कल से नहीं देखा, वो शायद आपके साथ थी ना? हाँ वो यहाँ थी तो सही, लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम? वो ठीक तो है ना? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। देखो तुम चिंता मत करो, असले बिल्कुल ठीक है। वो और बुराक साथ में है दाचा में, बस एक घंटे में यहाँ आते ही होंगे, चिंता वाली बात नहीं है। ओह थैंक गॉड, मुझे तो टेंशन हो गई थी। गोंजा आर्दम, थैंक यू वोल्कन। यू आर वेलकम। हाँ बाय। कोई प्रॉब्लम हुई क्या? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्यों? नहीं ऐसे ही पूछ रहा था, मुझे लगा वो तुम्हें परेशान कर रहा था तो मैं उसको। क्या तुम उससे जेलस हो रहे हो? नहीं तो मैं बस थोड़ा सा। तुम दोनों यहाँ खड़े रहकर क्या कर रहे हो? मिस्टर वोल्कन अभी आते ही होंगे। कौन मिस्टर वोल्कन? वो इस होटल के ओनर है। होटल के ओनर? हाँ। अब जल्दी जाओ और अपना काम करो, चलो। इसका मतलब मैं भी अपने बॉस को ही गाली मार रहा था, नौकरी जाती मेरी। ओके, जल्दी हम ऐसी जगह होंगे जहाँ कोई नहीं होगा। हाँ हाँ मैं स्ट्रेस नहीं ले रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। देखो वहाँ क्या हो रहा है। वाह, कहीं वो ईशन ईरिश तो नहीं? हाँ वो बहुत कमाल के हैं, चलो जाकर देखें। हाँ चलो। रात का शो है, बोट का वेट कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। भाई ओ वो जा रहे हैं यार। वो तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। हाँ थैंक यू वेरी मच, मुझे नहीं पता था तुम तारीफ भी कर सकते हो। बोट जल्दी आती होगी, चलो जाकर वेट करते हैं। ठीक है। मेरी मॉम से बात नहीं हुई, वो बहुत टेंशन ले रही होंगी। तुम उनके साथ रहती हो? हाँ मैं मॉम के साथ ही रहती हूँ। और तुम्हारे डैड? जब मैं 6 साल की थी डैड चल बसे। हे आई एम सॉरी, सुनकर दुख हुआ। ठीक है,
वैसे कैसे हुआ ये सब? एक्सीडेंट में। वो एक बहुत अच्छे म्यूजिक आर्टिस्ट थे, टर्की में वो काफी फेमस थे। एक बार काम करते वक्त काफी हाइट से गिर गए, उसके बाद हम उन्हें नहीं बचा। I'm sorry. हाँ, जब कोई अपना चला जाता है तो बहुत दर्द होता है, स्पेशली फैमिली हो तो और ज्यादा। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैंने भी किसी को खोया है। 2 साल पहले मेरी दादी चल बसी। मैं उनके बहुत करीब था, इतना करीब कि उन्होंने ही मुझे पाला है। तुम मानोगी नहीं, पर मेरा बचपन विलेज में गुजरा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। सच में, मेरे दादा पूरे गांव के मालिक थे। हाँ, फिर तो हो सकता है। फिर भी गांव-गांव होता है। मैं वहां प्राइमरी स्कूल तक पढ़ा और दादी के साथ ही रहता था। तुम्हारे पेरेंट्स कहीं और थे क्या? हाँ, मेरे डैड को बिजनेस के कारण काफी ट्रैवल करना पड़ता था, और मेरी मॉम भी उनके साथ जाया करती थी, तो मेरी दादी मेरा ख्याल रखती थी। यार, बहुत अच्छे दिन थे वो। क्या तुम अभी भी वहां जाते हो? नहीं, काफी सालों से नहीं गया। अब काफी लेट हो चुका है। क्या मैं कुछ कन्फेस कर सकता हूं? मैं दादी के मरने पर भी नहीं जा सका। उनके लास्ट राइट्स के दौरान मैं नहीं गया। क्यों? पता नहीं, वो मर चुकी है, ये मानना काफी मुश्किल था। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्यों, तुम्हें क्या लगता है, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं हो सकती? हाँ, हो सकती है ना। मुझे बात करने दो से, मैं उसे बताऊंगी कि प्रॉब्लम क्या है और हम लोग क्या रास्ता निकाल सकते हैं। जरूरत पड़ी तो वो कॉल भी करेगी। ओके, ठीक है। ऐसी चीजें खाने से तो अच्छा है कि मैं भूखी ही मर जाऊं। उफ, एकदम बकवास। यहाँ तो ऑरेंज जूस भी दिख रहा है। आप, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? हाँ बोलो। दरअसल मैं अपनी दोस्त एमएल की प्रॉब्लम लेकर आई हूँ आपके पास। क्या प्रॉब्लम है, बताओ। उसे और उसकी बेटी को उनके घर से निकाला जा रहा है। क्या वो हमारे यहाँ, मतलब कि जो लॉज खाली पड़ा है उसमें कुछ दिनों के लिए रुक सकती हैं? अच्छा, एमएल की बेटी भी है? उसकी उम्र कितनी है? 20 साल। नहीं नहीं सुकरान, नहीं, मैं नहीं चाहती एक जवान लड़की यहाँ रहे। तुम्हारी बेटी की बात अलग है, ठीक है, रह सकती है, लेकिन एक अनजान लड़की यहाँ हरगिज नहीं। मैं जानती हूँ, पर इमेल की बेटी अभी दूसरे शहर में है, वो समर के बाद आएगी, तब तक शायद इन्हें दूसरा घर भी मिल जाए। ठीक है, ठीक है फिर। थैंक यू मिस सेल्डा। और वो अपना कुछ सामान अगर हमारे गैराज में भी रख पाए तो? वो सब तो तुम ही मैनेज कर लेना। जी मिसेस सेल्डा, क्या आप एमएल से बात करना चाहेंगी? नहीं चलेगा, तुमने बता दिया ना, काफी है। पर जो मैंने उसकी बेटी को लेकर बोला उसका ध्यान रखना जरा। जी मिसेस सेल्डा, एक्सक्यूज मी। ऑफ कोर्स ऑरेंज जूस फ्लेवर बढ़ाता है, इतना स्वीट जो टेस्ट करेगा वो। क्या बोला उन्होंने? जो बोलना चाहिए था हाँ कर दी। शुक्र है। चलो चलकर तुम्हारा सामान ले आते हैं। ओके। आ,
खा गई मॉडल। नो वंडर एक घंटा लगा है उसे रेडी होने में। एडा आराम से अगर सुन लिया तो खा जाएगी तुम्हें। हाँ बिल्कुल। What's up guys? सब ठीक है। बधाई हो, आपका यार मिल गया। हाँ ये मैंने भी सुना। ऑलमोस्ट 24 घंटे हो गए हैं पर मैंने अभी तक उसे देखा नहीं है। वो बस यहाँ आते ही होंगे। वो मतलब कौन? मेरे कहने का मतलब है कि कैप्टन और उसके लोग यहाँ आते ही होंगे। वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड को नहीं देखा वोल्कन? क्या तुम साथ नहीं हो? अरे हाँ भैया, कहाँ पर है वो? अरे नहीं नहीं, हम अब भी साथ हैं, तुम चिंता मत करो, मिलवा दूंगा तुम्हें, कहा ना। कोई नहीं, देखेंगे। अब अगर आप मुझे मौका दें तो मैं बुराक को बुला कर लाता हूँ। रुको, मैं भी आता हूँ साथ में। मैं भी आऊँ क्या? तो क्या उसके स्वागत में पूरी बारात आई है? बैंड बाजा भी बुलाना है क्या? तुम्हें साथ जाना है तो जाओ, मैं वोल्कन को अकेले नहीं जाने देना चाहता था। तो मैं यहाँ पर रुक जाऊंगी। ठीक है फिर, उसे लेकर आते हैं। शुरुआत के बावजूद भी आज का दिन बहुत अच्छा था। सही कहा। मिस्टर बुरक, मिस्टर वोल्कन ने आपके लिए मैसेज भेजा है, ये लीजिए। मैं चागला के साथ आ रहा हूं, उसे लगता है तुम अकेले हो। वो नाराज है और सस्पिशियस भी, उसे शायद आइडिया है, गलती मत करना। थैंक यू। प्रॉब्लम हो गई यार। अब क्या? क्या हम बिना प्रॉब्लम के कुछ घंटे नहीं बिता सकते? तुम्हारी बात नहीं है, चागला को पता चल गया। कल रात उसने तुम्हें वोल्कन के साथ नहीं देखा। अब वो समझ गई है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो उसे कहो हमारा ब्रेकअप हो गया। ऐसा नहीं चलेगा, उसका शक और बढ़ जाएगा। मैं पहले उतर जाता हूँ, उतना टाइम तुम कैबिन में रहना, मेरे जाने के बाद तुम बाहर आ जाना। होटल के लिए कैब ले सकती हो क्या? तुम्हें क्या लगता है मिस्टर बुरक, मैं क्या कोई तुम्हारी नौकर हूँ? जो बोलोगे वो मैं कर लूंगी। आई एम सॉरी, मुझसे और नहीं होगा। मैं ये गेम और बिल्कुल नहीं खेलना चाहती हूँ, समझ गए? क्या हो, क्या गया तुम्हें? तुमने वादा किया था। वो कल रात की बात थी। प्लीज एक बार मान जाओ प्लीज, मैं तुम्हें तुम्हारी जॉब वापस दिलवा दूंगा। थैंक यू। कितने दयावान हो आप, भीख देते हो। लगता है तुम्हारी आदत है कि हर जरूरत को तुम पैसों से तोलते हो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी जॉब। क्या हो गया अचानक से? तुम ही बोल रही थी कि तुम्हें कितना अच्छा लग रहा है। एक मिनट, क्या तुम चागला से जेलस हो? सच बताना। क्यों, मैं क्यों जेलस होंगी? तुम क्या समझते हो अपने आप को? तुम क्या दुनिया के आखिरी मर्द हो कि अगर तुम नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी और मैं जिंदगी भर ऐसे। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें कोई शर्म नहीं आती है क्या? पागल पागल हो? मैंने तो बस तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए ये किया। दिमाग खराब है तुम्हारा, पागल हो तुम सच्ची? तुम अभी भी बोले जा रही हो? वो आ गए, मैं जा रहा हूँ, होटल पर मिलता हूँ। होटल पर क्यों मिलो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? इट्स ओवर, मैं नहीं आने वाली। ऑफ कोर्स कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं है। जान, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ हनी,
मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र थी, कहाँ थे तुम? मैं बताता हूँ ना बेबी, तुम चलो हम बोर्ड को बांध कर आते हैं, ठीक है? ठीक है। अब बता क्या हुआ, डाचा में क्यों थे तुम दोनों? लंबी कहानी है, अभी और इम्पोर्टेंट काम। क्या काम है? हासले थोड़ा गुस्सा हो गई है, उसने डील तोड़ दी। क्या तुम उसे कन्विंस कर सकते हो? होटल साथ में जाओ उसके, थोड़ा बातचीत करो, एक दूसरे को जानने की कोशिश करो। तुम तो चार्ला को जानते हो, उसे भनक हुई तो 100 सवाल पूछेगी। हाँ जरूर बुराक सर, आपके लिए कोई और सेवा हो तो प्लीज बताइए ना। अबे तुम्हें क्या मैं नौकर लगता हूँ क्या? नौकर नहीं, मेरा यार लगता है। तुम्हारी इन हरकतों से तंग आ चुका हूँ मैं, मुझसे और नहीं होने वाला। प्लीज यार भाई ऐसा मत कर। मुझसे नहीं होगा भाई, पक्का लास्ट बार यार, प्लीज सच्ची, आज के बाद मैं कभी नहीं पूछूंगा, चलना भाई प्लीज यार। बुराक ये आखिरी बार है, समझ गए ना? ओके डील। तुम जल्दी वापस आ गए? वोल्कान संभाल लेगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम और वेट करो, हम ऑलरेडी काफी वक्त गवा चुके हैं। असले तुम ठीक हो? हम तो परेशान हो गए थे। हाँ हम ठीक है, बट इट वॉज लाइक अ हेल। शुक्र है कि हम सही सलामत वापस आ गए हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम ठीक हो उतना ही बहुत है। अब कहीं चलते हैं, ड्रिंक्स पीते हैं और फिर आराम से बातें करते हैं, ठीक है ना? ओके, बैग ले लेती हूँ। लाओ मुझे तो। कोई बात नहीं है। अब ये बनेगी आज की ताजा खबर। मिस मर्व, मेरे पास धमाकेदार फोटोज हैं। मजरोलो होल्डिंग्स के सिना मजरोलो और मेल्स कॉस्मेटिक्स की एल्चिन टेकन काफी करीब हैं, एक बोट पर हैं। गुड जॉब, बढ़िया काम। मुझे तुरंत वो फोटोज भेजो। जी भेजता हूँ मिस मर्व। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ सुन के अफसोस हुआ बुरा। पूछो ही मत, कुछ भी हो सकता था, सस्ते में निपट गए। ओ हनी कोई बात नहीं। Whatever, अब जो हो गया वो हो गया। तुम क्या कर रही थी इतनी देर? मैं तो बोर हो गई। जैसा तुम जानते हो ना, एडा अपनी लाइफ में बिजी थी, इसलिए मैं मिल नहीं पाई। उसको शायद हेडेक था, वो नाजुक है। हाँ वो थोड़ी वियर्ड है, ज्यादा करीब मत जाना उसके। पर आज तो हम साथ ही होने वाले हैं। हाँ आज कुछ वक्त बिताना पड़ेगा उसके साथ। मुझे फिर से अकेला मत छोड़ देना बुराक। ओके बेबी। तुम्हारी मॉम का कॉल। तुमने कुछ बताया तो नहीं ना? ऑफ कोर्स मैंने कुछ नहीं बताया, मैं उठाती हूँ। हेलो सेल्डा आंटी। ओ हाय, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और आप? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा बुराक से बात नहीं हो पा रही, तुम दोनों साथ में हो क्या? हाँ वो यही है, मैं स्पीकर ऑन करती हूँ। यस मॉम बोलिए। बेटा जब से तुम गए हो तुम्हारी कोई खबर ही नहीं है, तुमने कॉल तक नहीं किया, तुम ठीक तो हो ना? चिंता मत कीजिए मॉम, मैं ठीक हूँ, अभी ड्राइव कर रहा हूँ, फ्री होके कॉल करता हूँ आपको। ओके स्वीटी बाय, कॉल करना मत भूलना हाँ, अपना ख्याल रखना बेटा, बाय बाय। कितना ख्याल है उन्हें। हाय हनी, मैं आ गई। हेलो हनी। तो सब कुछ ठीक है ना? हाँ ठीक है। ये सब क्या लाई हो? लंच है और क्या है, सोचा हम साथ में खा लेंगे। घर से खाना लाने की क्या जरूरत थी, हम रेस्टोरेंट जाके भी तो खा सकते थे।
चलो कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी भूख लगी है। चलो अच्छा है, फिर तो मैं टाइम पर आ गई, ये लो। ये खाना है? इससे तो मेरी भूख ही नहीं मिटेगी। मेरी जान, हम डाइट पर हैं। सेल्डा, डाइट तुम कर रही हो, मुझे मेरी डाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है निहार, तुमने मुझसे वादा किया था ना, हम सब कुछ साथ में करेंगे, तो हम डाइट भी साथ में करेंगे। ओ, मैं फोक लाना तो भूल ही गई। ठीक है, मैं मंगवाता हूँ। बुर्चू, तू फोक्स लेके आ सकते हो और प्लेट्स भी ले आना। थैंक यू। तुम्हारे साथ जो हुआ वो नॉर्मल नहीं था, लेकिन बुराक के साथ ऐसा हमेशा होता ही रहता है, कोई बड़ी बात नहीं, वो हमेशा ही मुसीबतों में पड़ता रहता है। हाँ, मैंने ये लास्ट कुछ दिनों में जान लिया है, इसलिए अब मेरे लिए बहुत हो गया है। मैं अब ये और नहीं कर सकती, मेरा मतलब मैं इस झूठ में और शामिल नहीं हो सकती। देखो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे साथ ये सब कितना गलत हो रहा है, और उसके लिए मैं तुमसे माफी भी मांगता हूँ, लेकिन प्लीज एक दिन और हमारा साथ दे दो। बट मैं रियली नहीं, मेरी बात सुनो, मैं वादा करता हूँ तुम फिर से उसकी वजह से मुश्किल में नहीं पड़ोगी, क्योंकि अब मैं उस पर हर वक्त नजर रखने वाला हूँ। बस प्लीज एक दिन के लिए और मान जाओ ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर हम एक कपल होने का ढोंग कर ही रहे हैं तो हमें एक दूसरे को थोड़ा जान लेना चाहिए। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता सिवाय इसके कि तुम बहुत बढ़िया केक्स बनाती हो। Well, मैं मेरी मॉम के साथ इस्तांबुल में रहती हूँ। जब मैं छोटी थी तब डैड चल बसे। यहाँ होटल में मैं गोंजा के साथ काम करने के लिए आई थी। तुम्हारे बाबा का सुनकर बहुत दुख हुआ मुझे। और तुम्हारी पढ़ाई? लास्ट ईयर मैं कर नहीं पाई क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, पर इस बार मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूं। और तुम? मैं एक यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ और मेरे डैड और बहन के साथ ही रहता हूँ। और क्या तुम्हारी मॉम इस दुनिया में नहीं है? हाँ, ऐसा ही कुछ कह सकते हैं। जब मैं कॉलेज में नहीं होता तो मैं डैड के साथ काम संभालता हूँ, और मैं बॉर्डरम भी इस बार के सीजन के लिए होटल तैयार करने आया हूँ। सीजन के लिए तैयारी करने? होटल तुम्हारा है? बुराक ने बताया नहीं, मेरे डैड और अंकल ने ये होटल खरीद लिया है। ओह नो, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा हुआ ना हम दोनों ने बातें कर ली। एक्चुअली चाला बहुत ही नोजी है, वो तुमसे सारी बातें जानना चाहेगी, जैसे कि हम दोनों कैसे मिले थे। तुम्हें क्या लगता है क्या बोलना चाहिए? I don't know, समझ नहीं आ रहा। हाँ, इस बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ, मुझे पता है कैसे मिले हम। अच्छा आइडिया है, चलो ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान ली। कभी कभी तुम भी काम की बात बोल देती हो। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, अब हमें चलना चाहिए। मैं भी आता हूँ। कितने अच्छे दिखते हैं।
हाँ सच में तुम दोनों क्या वाकई अकेले हो? हाँ, मुझे ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। विश मी लक। ये मेरे लिए है? हाँ तुम्हारे लिए है, पर तुम्हारे जितने खूबसूरत नहीं। थैंक यू सो मच, ये बहुत खूबसूरत है। पर तुम ज्यादा खूबसूरत हो। असल वापस आ गई? नहीं वो तो नहीं आई, बट मिस्टर बुराक और उनकी गर्लफ्रेंड वापस आ गए, असल भी आती होगी। ओह थैंक गॉड, असल जरूर मिस्टर वोल्कान के साथ होगी। क्या मुझे उनका नंबर मिल सकता है? मैं उन्हें कॉल कर सकती हूँ क्या? तुम्हें उनका फोन नंबर क्यों चाहिए? उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो जल्दी वापस आ जाएंगे। तुम उन्हें आखिर कॉल ही क्यों करना चाहती हो? मुझे ये बताओ, क्या तुम जेलस फील कर रहे हो? हाँ मैं जेलस हूँ थोड़ा सा। क्यों? क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? तुम जेलस क्यों हो रहे हो? क्या मतलब? तुम्हारा तो मुंह ही उतर गया, कितने स्वीट हो तुम। रियली? इतना कुछ खाने के बाद हमें कॉफी पी लेनी चाहिए, है ना? ये लो। इतना कुछ क्या था सेल्डा? प्लीज दो कप कॉफी ला दीजिए। श्योर मैम। अरे मजेदार कॉल है, जरूर कोई बढ़िया सी खबर होगी उसके पास। हनी तुम आराम से बात करती रहो, मेरी अभी मीटिंग है तो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। हेलो। हाय मर्व। ओ सेल्डा कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम अपनी सुनाओ। बस बढ़िया हूँ सेल्डा। सुनो मुझे तुम्हें ना कुछ खास बताना है, बिजी हो क्या तुम इस वक्त? नहीं नहीं बिजी नहीं हूँ, बताओ। सिनान और तुम्हारी करीबी दोस्त एल्चिन, उन दोनों को कल बोर्डरूम में देखा गया है, एक बोट के ऊपर। क्या बात कर रहे हो, सच में? हाँ हाँ सच में, तुम्हें चाहिए तो फोटोज भेज सकती हूँ। आई थिंक उन्होंने अपनी रिलेशनशिप छुपा कर रखी है। हाँ शायद ऐसा ही होगा, मैं भी बहुत शॉक्ड हूँ सुनकर। प्लीज मर्व एक फेवर करना, इसे पब्लिश मत करना प्लीज, ओके? उन दोनों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्या है कि दोनों का नया नया प्यार है ना, शायद इसलिए दोनों इसे छुपा रहे हैं। ठीक है फिर, जब वो इसे पब्लिक करेंगे तब मैं फोटोज को पब्लिश करूंगी। ओके अब तो ठीक है। ओके ओके तुमने सही कहा ये तो। अच्छा एक बात सुनो मर्व, बोर्डरूम में हमारे होटल की ग्रैंड ओपनिंग है, एक तुम ही ऐसी जर्नलिस्ट हो जिसे हमने बुलाया है, तो तुम आओगी तो बहुत अच्छा लगेगा। श्योर मैं जरूर आऊंगी। तो ठीक है फिर हम ओपनिंग में मिलते हैं। बाय बाय मर्व। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, ये कोई मजाक है? सिनान और एल्चिन साथ में? अच्छा होगा तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। हाँ मैं प्रोग्राम के बारे में पता करके बताता हूँ तुम्हें, तुम फोन नंबर दो मैं कॉल कर दूंगा। जब हमारे कार का एक्सीडेंट हुआ तब फोन उसी में रह गया। अब मैंने कार का सारा सामान बुराक के रूम में रखवा दिया है, तुम चाहो तो ले सकती हो। ठीक है ले लूंगी। ठीक है मिलते हैं। मिलते हैं। यार मेरा बैग बुराक के रूम में क्यों है? वो मेरी बैग की छानबीन ना करे, मुझे तुरंत जाके लेकर आना पड़ेगा। हाँ बुराक मैं आ गया हूँ, लॉबी की टेरेस पर हूँ। ओके आता हूँ। वोल्कान आ गया, मैं मिलकर आता हूँ सर, तुम तैयार हो जाओ हम बीच पर जाएंगे। ओके लव। चार्ला का कॉल है। हेलो चार्ला कैसी हो? हेलो कैसी हो मॉम?
मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। क्या तुम बुराक से मिले? हाँ सब ठीक है, मैंने यही बताने के लिए कॉल किया था। शुक्र है सब ठीक है, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। और आप बताओ, आप अभी भी इस्तांबुल में हो? ओ नहीं नहीं नहीं, दरअसल मुझे एक बहुत ही जरूरी मीटिंग अटेंड करनी थी तो मुझे वापस इज़मीर आना पड़ा। ओके मॉम, ख्याल रखना, बाय। हाँ ओके स्वीटी, तुम भी। एल्चिन, हाँ? क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं आप, बिल्कुल भी नहीं। चार्ला से झूठ बोलकर परेशान हो, राइट? सब कुछ जानते हो मेरे बारे में, है ना? मैं तुम्हें तुमसे बेहतर जानता हूँ एल्चिन, तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए। देखो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें हमारी रिलेशनशिप से कोई तकलीफ हो, और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। ज़्यादा नहीं, ये रूम साफ करने के बाद आज का काम खत्म, फिर आराम करेंगे। अच्छा ठीक है फिर, आज तो मेरा काम करने का मन ही नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है घर चली जाऊं। आज काम कितने बजे चालू किया? वही 4 बजे। तो फिर आसले को कन्विंस किया कि नहीं? हाँ, और ये सच में आखिरी बार था। क्या बात है। हे तू ठीक तो है? उदास क्यों लग रहा है? कुछ हुआ क्या? मैंने डेनिस को देखा। अरे यार तूने बात की ना? नहीं, उसके साथ कराया था, वही जो उसके साथ टीवी शो में काम करता है। अच्छा तो वो उस इंसान के साथ है? पता नहीं और जानना चाहता भी नहीं। तो फिर तू दुखी क्यों हो रहा है? छोड़ो ना, आप जाने भी तो यार, मैं जाकर जरा एडा और बरीस से मिलकर आता हूँ। ठीक है, मैं भी चेंज करके आता हूँ। चलो अच्छा देखिए, आप लोग तो पहले से ही जानते हैं कि कोराय मेरा दोस्त है, हम तो सिर्फ यहाँ पर ड्रिंक्स के लिए आए थे। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, बाय बाय। ऐसे क्यों बिहेव करते हो? तुमने मुझे वहां अकेले क्यों छोड़ दिया? तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? उनको हमारे बारे में बता देना चाहिए। नहीं, पर तुम्हें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। मुझे इस वक्त तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। Come on, Denise, क्या चाहिए तुम्हें? परेशान मत करो, बाद में बात करेंगे। ये तो तुम्हारे साथ हो रहा था। सब हो गया, चलो। Mükemmel olmasın, benim kalbim her şeye yeter.